हाजत मीटिंग के लिए मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि सबको इन्फॉर्म कर सकूं कि हमारे 40 जासूस गैर मुल्कों में मार डाले गए हैं। मगर चीफ, दुश्मनों को उनका पता कैसे लगा? हमारे जासूसों के नाम, पते और कोड नंबर की फाइलें तो हमारे पास महफूज है। आप ठीक कहते हैं मिस्टर फॉन्टिक, मैं स्पेशल ब्रांच का चीफ हूं और आप ये 8 ऑफिसर्स मेरे साथी, उन फाइलों हम लोगों के सिवाय और कोई छू भी नहीं सकता था। हमारे जासूसों के नाम, पते और कोड नंबर्स इसी ऑफिस के बाहर गए हैं। अभी मेरी कोई कसर चीफ, गद्दार धरती मां की पीठ का बोझ होता है और इस दफ्तर का गद्दार देश पर ऐसा कलंक है जो गंगा जल से भी धुल नहीं सकता। हमें पता लगाना है कि कौन है वो गद्दार, किसने अपनी मां की जिंदगी का सौदा किया, किसने अपने थोड़े से फायदे के लिए देश की आजादी को बर्बाद करने की हिम्मत की। हमें पता लगाना है इससे पहले कि हमारे देश के और कुछ सबूत उस गद्दारी का शिकार हो जाए। मैं चाहता हूं कि उनके नाम, पते और कोड नंबर के फाइलें यहां से निकालकर ब्रांच ऑफिस के अंडरग्राउंड सेफ में रख दिया जाए और मिस्टर पॉन्टिक्स, ये काम मैं आपके सुपुर्द करता हूं। अब आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर पॉन्टिक्स, ये सिर्फ फाइलें ही नहीं, ये हमारे हजारों जासूसों की जिंदगियां हैं जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। इनकी हिफाजत करना तुम्हारा धर्म है। आई डू माई बेस्ट सर। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 एंड नंबर 9, मेरे पास आओ। नंबर 3। यस बॉस। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से बहुत जरूरी फाइल्स ब्रांच ऑफिस भेजी जा रही हैं। वो वहां पहुंचने से पहले हमारे पास होनी चाहिए। ये काम तुम्हारे जिम्मे है, इन आदमियों को साथ ले जाओ। ओके बॉस। गुड लक टू यू।
बचानी है तो भाग चलो। चल चल चल। आज का मौसम कितना सुहाना है, है ना? जी। आपको ये मौसम अच्छा नहीं लगता? मुझे मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ। लो शालिनी। ओह थैंक यू थैंक यू। ये कौन है? मैं बस समझ जाइए कौन हो सकता हूँ। अच्छा अब चलो तैयार। इतनी जोर से मत बोलिए वरना मोहब्बत जाग जाएगी। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं मोहब्बत है प्यार है। बेबी ये कौन है? अरे बेटे जब तुम्हारी दीदी नहीं पहचान सकती है तो तुम कहाँ से पहचानोगे बाबू? ओह तो ऐसा है, पहले क्यों नहीं बताया शालिनी? अब तो समझ गए ना। ए मिस्टर चले जाओ अपना काम करो। ओह वो तो हो गया है। थैंक यू टाटा। आपका आइसक्रीम। दीदी ये आपका दोस्त था। चलो घर चले। ला हमारा हिस्सा। तू हिस्से की बात कर रहा है? यहाँ तो जान के लाले पड़ गए थे। अरे जिसे भगवान रखे उसे कौन चखे। कुछ माल वाल मिला या नहीं? माल जो मिले वो तो मैं देख ही रहा हूँ, इनमें से एक तो अपना। बस फिर मजे करो। अरे नहीं यार मैं इनकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा था भगवान सोनाराम रुपया चल। ए, तुझे अकल कब आएगी? ये रास्ता है, यहाँ एक की तक में एक रहता है, एक से बके एक उताद है। ओह मैं तो भूल ही गया था। हेलो चीफ स्पीकिंग पंटिक। यस सर आई एम पंटिक स्पीकिंग। सब ठीक तो ना? नो सर आई एम इंजर्ड, मैं ब्रांच ऑफिस पहुंच नहीं सका, लेकिन आपकी फाइलें मेरे पास महफूज है। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि लीकेज हमारे ऑफिस में ही है। अब तुम्हें ब्रांच ऑफिस जाने की जरूरत नहीं क्योंकि असली फाइलें मैंने अलग रख ली है जिन्हें मैं अपने प्राइवेट सेफ में रखूंगा। ओके यू कैन गो। यस सर। Yes, boss. हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं हुई? हम तुम्हें जिंदगी का हर आराम देते हैं, क्या इसलिए कि बजाय काम पूरा करने के तुम अपनी जान बचाकर आ जाओ और वो भी दूसरे के सहारे? नहीं बॉस, हमने किसी का सहारा नहीं लिया, ना बचने की कोशिश किया। किस्मत से बच गए। किस्मत से बच गए इसलिए कि हमारे हाथ से मारे जाओ। नंबर नाइन तुम भी कस्मत से गए। नहीं बस मैंने कुछ नहीं किया, सचमुच मैंने कुछ नहीं किया। यही तो मैं भी कहता हूं, तुमने कुछ नहीं किया। नहीं बस नहीं। क्या तुम बता सकते हो वो आदमी कौन था जो तुम्हारे और पुलिस के बीच में आ गया जिसकी वजह से तुम लोग बच गए? नहीं बस मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर उसे देखो तो पहचान सकते हो? यस यस बस। गुड इवनिंग बॉस। रीटा आज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के छापे में एक खूबसूरत नौजवान ने हमारे आदमियों को बचा लिया। उसकी तलाश करो और कोशिश करो कि वो हमारे ग्रुप में आ जाए। वो कौन है बॉस? इस शहर में नया है और बहुत अच्छा सेफ क्रैकर है। नंबर 9 उसे पहचान लेगा। गुड लक टू यू। थैंक यू बॉस।
मुझे ये झलक ये झलक चली मैं ये झलक चली मैं संभालो या 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 दिलवालो या 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 ऐसे ही देखिए जब शहर में कोई नया मुजरिम आता है तो उसकी चर्चा दो ही जगह होती है एक पुलिस चौकी में दूसरी उसके हमेशा टोली आपका ताल्लुक किससे है मेरा नाम गीता है आपकी हमेशा आपका नाम मेरा नाम है राजा फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जी बात यह है कि हम आपको अपना पति बनाना चाहते हैं माफ कीजिए मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ मगर जब हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो वो अकेला नहीं रह सकता इसलिए कि हम अपने जवाब में मान नहीं सकते सोच लीजिए इसमें सोचने की क्या बात है आपका पार्टनर बनने के लिए कौन इनकार कर सकता है मगर बिजनेस पार्टनर देखिए बात देर हो गई मेरी माँ मेरा इंतजार करती हो एक तो जवान लड़की और फिर डांसर उसका इंतजार माँ बाप को नहीं किसी हम जैसे को हो सकता है पियोगी छोड़ो मुझे मैं नहीं पीती पिलाती हो मैं शरीफ खान की लड़की हूँ मैं भी कोई कमीना नहीं हूँ वो तो तुम्हारे करतूत बताते हैं और तुम्हारे करतूत होटल में अधनंगी नाचना और फिर भी सती सावित्री बनना मैनेजर साहब कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहन या बेटी पर ऐसा वक्त आए छोड़ो मेरा हाथ I'm sorry मेरा ख्याल है मैं कुछ गलत वक्त पे आ गया हूँ जी नहीं आप सही वक्त पे आए हैं नहीं ना अपने पैसे तो दे दी जाओ शुक्रिया कंजूस लड़की है आंखों से गुलाबी छलकाती फिरती है लेकिन प्यासे को एक बूंद पानी नहीं पिलाती शायद सच्ची और झूठी प्यास का फर्क जानती है लेकिन आप इस वक्त कैसे आए मुझे भी अपने पैसे लेने हैं आपके पैसे जी हाँ मैंने अपना पर्स आपकी तिजोरी में रख दिया था अपने साथी के डर से वो जो पाता है खर्च कर डालता है आपका पर्स मेरी तिजोरी में जी हाँ आपने रखा कैसे यही तो समझने की बात है आप अपना सेफ खोलिए मेरा पर्स मिल जाएगा ताज्जुब मजबूर किया तो इतने दिन कहां छुपे रहे आप तो बड़े काम के आदमी निकले काम के आदमी मैनेजर साहब वक्त पे मिला करते तो आइए हम और आप हिस्सेदार बन जाएं इस शहर में लोग बहुत जल्दी हिस्सेदार बन जाते हैं मिस्टर राजा ये कारोबारी शहर है लोगों को फुर्सत कम होती है काम बढ़ जाए तो चलते हैं मैं आपको ऐसे पते दे सकता हूं कि बस जाइए और ले आइए रे तो क्या नशे में बोल रहा हूं
लीजिए, ये कार्ड हाजिर है, कल पूछूंगा आपसे। दम खत्म हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। देख तो रही हो तेरी मजबूरी, पैसे मांगने जाती है तो मैनेजर छेड़ता है, दूसरी जगह नौकरी भी नहीं मिलती। तुझसे जितना हो सकता है तू कर रही है। आज अगर तेरा भैया होता तो तुझे इतनी मुसीबतें क्यों उठानी पड़ती। इसका क्या सोचना माँ, जो नसीब में होता है उसे सह नहीं पड़ता, इसीलिए तो दिल तड़प है बेटी। न जाने मेरे बच्चे के नसीब में क्या क्या दुख आए होंगे, न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। पिता दोनों को चुप करो, उसके बाद बताओ मैं कौन हूँ। खोर माता पिता नहीं है, ये आपका साहब है और ये हमारा नियम सब है। ये लोग सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। ओ, इन दोनों का ट्रेनिंग लंदन के अंदर हुआ था। वेरी गुड, आपका ट्रेनिंग? ओहो, हमारे ट्रेनिंग हैदराबाद बॉम्बे दोनों मिक्स। अच्छा, ए अरे किधर है, कौन है तुम? अरे देखो भाई, हम खटमल मच्छर मारने वाला है। इधर मच्छर नहीं है, खटमल नहीं है। एक काम करो, जिधर से आओ उधर आओ। देखो हमारा धंधा हम समझता है, इस मकान में बहुत मोटा मोटा खटमल है। ए, जाते किधर है? जब साफ होगा तो इधर आने का, चलो। साफ? अरे हमको साहब ने भेजा है। ओ, साहब ने भेजा है तो ये करो, अंदर जाओ और ले जाओ। कौन है? तुम यहाँ इस तरह क्यों चले आए? क्यों चले आए? ये हमारे दिल से पूछो। तुम्हें बालकनी में देखकर आंख से आंख मिली, आंख मटका हुआ, जैसे डोरी में फंसकर मछली चली आती है, तुम्हारी आंखों में बनकर हम चले आए। आहिस्ता बोलो, मम्मी घर क्या हुआ? वो कटमल मच्छर मारने वाला इधर आया था, साहब उसको इधर भेजा था। किधर है, किधर है? वो मेजी बाबा के रूम में। अब क्या होगा? फिक्र मत करो, मैं जाके दरवाजा बंद करता हूँ। जाके हमारा नाश्ता तैयार करो। मजा आ गया। हम बोलता है तुम कोई छोकरा मच्छर खटमल मारने वाला इधर भेजा? मच्छर खटमल मारने वाला? नहीं तो ढाले, मैं तभी कहता हूँ कि रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठकर जल्दी नहा लिया करो, रात को बहुत खराब खराब सपने आता है। शेरा, तू समझता नहीं, छोकरा गीता के रूम में दरवाजा बंद करके गीता के साथ मस्कीटो मार रहा है। मस्कीटो मार रहा है? देखो तो, देखो तो। ओ डैडी, अब क्या होगा? अरे क्या होगा, अगर तुम्हारे पास डैडी है तो मेरे पास डीडीटी है। अगर डैडी अंदर आ गए तो तुम इस दुनिया से उड़ जाओगे। तो मैं क्या करूँ? ऐसा करो, तुम इस दरवाजे से चले जाओ और मैं ये दरवाजा खोल देती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे भूलना मत, मुझे भूलना मत। अलविदा, अलविदा, अलविदा। वो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया हूँ। क्यों भाई, मैंने तुझे यहाँ भेजा था, मैं अभी तेरा सर तोड़ दूंगा। नहीं, मुझे डंडा मत दिखाओ, नहीं तो आप गिर जाएंगे। गिर जाऊंगा? अबे मैं अभी पिस्तौल से तेरा सर तोड़ दूंगा, तेरे को भी छोड़ा दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। डैडी मुझे बच्चों वाली पिस्तौल मत दिखाओ, मैं खुद चला जाता हूँ। जाता तो आया कौन था? ये दरवाजे में दीवार कहाँ से आ गई? ओ आई सी, तुम है इडियट, तुम इधर क्या करने को आया? क्या करने को आया? बोल, तुम इधर क्या करने आया? मच्छर को आया? What? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मच्छर। मच्छर की औलाद मैं तुझे भी ठीक करता हूँ।
सुना था वैसा ही पाया है। तुम्हारे जैसे नौजवान अपनी तकदीर मुट्ठी में लिए फिरते हैं, वक्त के धारे को मोड़ देते हैं, दुनिया की तारीख बदल देते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। बरफरदार अंदर तो आ गए, अब बाहर कैसे जाओगे? अंदर आने वाला बाहर जाने का रास्ता सोच कर ही आता है। दाद देता हूं तुम्हारी काबिलियत की, हमें इसी हौसले की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, तो ये सब आपकी कार्रवाई है, मगर इसकी क्या जरूरत थी? अगर आप कहती तो मैं यूं ही चला आता। नहीं आ रहे थे इसलिए इस तरह बुलाना पड़ा। कोई आ गया तो ये तेजी बहुत अच्छी, लेकिन मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। तो यहां दुश्मनी के लिए क्या रखा है? ये लीजिए, मेरा नाम परम कुमार है। तुम्हारा नाम? राजा। कहां के रहने वाले? हिंदुस्तान का। मेरा मतलब है कि महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, सिर्फ हिंदुस्तानी। तुम्हारे पिताजी का नाम? विष्णु प्रसाद। माता जी का नाम? आपको मुझसे काम है या मेरे माँ बाप से? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है राजा कि तुम हमारे साथ शामिल हो रहे हो। मगर अच्छे दाने डालकर फंसा गया हूँ। खैर जैसे भी हो। बॉस, हम राजा को अपने साथ ले आए हैं। वेलकम राजा, हमें खुशी है तुम हमारे साथ हो गए, हमें तुम जैसे नौजवान की जरूरत थी। आपको मुझसे क्या काम लेना है? वही जो खूबसूरत नौजवान कर सकता है, एक खूबसूरत नौजवान लड़की से मोहब्बत। मोहब्बत? स्ट्रेंज जॉब। आदमी का दिल कोई मशीन तो नहीं है कि जिससे चाहे मोहब्बत करा लो? हमें दिल वाली मोहब्बत नहीं चाहिए, सिर्फ जबान और दिमाग वाली मोहब्बत चाहिए। दिल तो सिर्फ जिसमें खून दौड़ाने के काम आता है, इससे हम और कोई काम नहीं लेते। और तुम एक समझदार बिजनेसमैन की तरह इस लड़की से दोस्ती कर लो, उसके बाद दौलत से दामन, महबूबा से आगोश दोनों भर लो। क्या सोच रहे हो? मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, हम चाहते हैं तुम उसे और करीब से देखो, बेहद करीब से। तुम यहां तक पहुंच गए? दिल से दिल को राह होती है। मैं यहां स्विमिंग करने आया था और आप मिल गई। मिल गई या जब आप जान ही गई हैं तो अब छुपाना क्या? लेकिन कसूर मेरा नहीं है, मेरे दिल का है, मेरी नजरों का है, जो आपकी तलाश में यहां तक पहुंच गई। अपने दिल और नजरों से कहिए कोई और जगह तलाश कर ले, वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि दिन में तारे नजर आने लगेंगे। ओफो शालिनी, ये क्या, जब भी इनसे मिलती हो गुस्से से। समझाइए ना अपनी सहेली को। समझ गई जी, बुजुर्ग कह गए कि जब आप अपने प्रेमी से मिलिए तो तंबाकू वाला पान थूक कर उससे गले मिल जाइए। क्यों प्रेमिका, मैंने ठीक कहा ना? छोड़ो ना। क्या छोड़ो ना? बिल्कुल ठीक है ना प्रेमी। और आप कभी शक्ल देखिए आईने में? आईना तो यही है, लेकिन पानी में देख लेता हूँ, अच्छी खासी है। ओफो, यू खुमाराए, अरे गोरा तन ऐसा दिल वालों को प्यारा है। न यूं देखो जान जाना, लिपट जाएगा कोई दीवाना। ओ तौबा ये अदाए देखे से खुमाराए, अरे गोरा तन ऐसा दिल वालों को प्यारा है। न यूं देखो जान
जाना, लिपट जाएगा कोई दीवाना। ये रंगी बदन देखो सितम ढाए न कहीं, अरे दिल धड़के मेरा लहरों में लहरा के डोलो नहीं। ये रंगी बदन देखो सितम ढाए न कहीं, अरे दिल धड़के मेरा लहरों में लहरा के डोलो नहीं। डरता हूँ मैं शोला है तू आग पानी में लग जाए ना, ये अदाएं देखे से खुमाराए, हर गोरा तन ऐसा सिलवालों को प्यारा है। न यूं देखो जान जाना, ये पट जाएगा कोई दीवाना। ए सोचो जरा कोई तेरा चूमे है कदम, हाय जिद ना करो जीने दो औरों को भी ऐसे न। ए सोचो जरा कोई तेरा चूमे है कदम, हाय जिद ना करो जीने दो औरों को भी ऐसे न। छूकर तुझे मेरी तरह सांस मौसम की रुक जाए ना, तौबा ये अदाएं देखे से खुमाराए, अरे गोरा तन ऐसा दिल वालों को प्यारा है। न यूं देखो जान जाना, लिपट जाएगा कोई दीवाना। तन मन मेरा उलझा हुआ जुल्फों में तेरी, अरे सुन ओ बेवफा बाहों में ले ले ये बाहें मेरी। हाय हे तन मन मेरा उलझा हुआ जुल्फों में तेरी, अरे सुन ओ बेवफा बाहों में ले ले ये बाहें मेरी। आ आ जा पर ना कहीं डूब कर कोई रह जाए ना, ये अदाएं देखे से पारा है, हर गोरा तन ऐसा दिल वालों को प्यारा है। न यूं देखो जान जाना, लिपट जाएगा कोई दीवाना। तौबा ये अदाएं देखे से खुमारा है, हर गोरा तन ऐसा दिल वालों को प्यारा है। न यूं देखो जान जाना, लिपट जाएगा कोई दीवाना। ए गीता जल्दी चल, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। अरे अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ हाँ ऐसे भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर और रुक जाइए। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। छोड़ दो, बदमाश कमीने, छोड़ दो, बदमाश कमीने, छोड़ दो।
कहीं से पुलिस को टेलीफोन क्यों नहीं किया? टेलीफोन तुमने क्यों नहीं किया? बाबूजी, मैं तो बेहोश था और मेरे पास 20 नए पैसे छुट्टे भी नहीं थे। इडियट, हम बोलते हैं तुम बकवास करके हमको बोर करता है। अभी तुम अपना घर जाने को मानता है तो? माता जी, हम घर कैसे जाएगा? मेरे अंदर जाने की शक्ति भी नहीं है, मुझे चक्कर आ रहा है। रमन्ना, रमन्ना, पानी पानी लाओ। हेलो हेलो मल्लाल जी। जी मैं चतुर्मुख बोल रहा हूँ सर। वेरी सॉरी, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? मतलब ये कि हम शहर से न जाने कितने मील दूर आ गए हैं। रात होने वाली है और इस जंगल में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन लेकिन मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई सवारी नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती है, बंदा हाजिर है, बैठ जाइए। देखिए, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक का वक्त हो या मातम का, लेकिन सफर का बिल्कुल नहीं है। मैं गुंडों से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन जंगली जानवरों से नहीं। सुना है बड़ी बेरहमी से मार वार कर खा जाते हैं। मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं तो इस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता हूँ। अरे हाँ, अगर आपको भी अपनी जान प्यारी है तो आ जाइए। डरपोक कहीं के, मैं तो जाती हूँ। डर लग रहा है, आप भी मेरे साथ चलिए ना। आप इतने प्यार से कहती हैं तो मैं जंगली जानवरों से भी लड़ लूंगा। आइए। तो मैं फंस गया हूँ मेम साहब, आपकी वजह से। हाँ हाँ, जताने की कोई जरूरत नहीं। वो देखो एक मकान है, आओ वहां चले। अरे आओ। कितनी अच्छी जगह है, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। शायद ये जगह हमारे लिए छोड़ गए हैं। जी, रात तो गुजर जाएगी यहाँ। यहाँ पर नहीं तो क्या, ताजमहल होटल का कमरा बुक करा दो मैडम। बस 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 बस, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, ये लो, वरना निमोनिया हो जाएगा। ये लो, मैं बाहर हूं। सुनिए, आप अपने कपड़े बदलकर सो जाइएगा, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, दीदी के बगैर खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा ना को करो बॉबी, दीदी आ जाएंगी, तुम खाना खा लो ना। नहीं खाऊंगा। तो तनिक दूध ही पी लो। मैं दूध नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, ले जाओ ये सब।
बॉबी। पापा, पापा। ये क्या कर रहे हो बेटा? दीदी कहाँ है पापा? जब तक दीदी नहीं आएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। उठिए मेम साहब, गुड मॉर्निंग। मैंने तो समझा था आप मुझे छोड़कर चली गई। ये कैसे हो सकता है? कल जो कुछ हुआ उसके लिए आपका शुक्रिया अदा किए बगैर कैसे जा सकती है? तुम्हें न पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे सीने में दिल नहीं रहा, जैसे जिस्म में जान ही ना हो। शालिनी, आज तेरे नैना मिलके झुके क्यों कई बार, आज तेरे नैना मिलके झुके क्यों कई बार। मैं न बुरा मान चाहो तो कह लो इसे सदा हो यही साथ नहीं, नहीं रात। मैं न बुरा मानू चाहो तो कह लो इसे प्यार। मैं न बुरा मानू चाहो तो कह लो इसे प्यार। यूं न देखो ये हो जाए नशा सा, गिरा गिरा अरे अरे मैं करूं कहां रे यूं। न देखो के हो जाए नशा सा, गिरा गिरा अरे अरे मैं करूं क्या। तेरे नैना मिलके झुके क्यों कई बार, चाहो तो कह लो इसे। मुझे साजन ये हुआ क्या, हरे के
झुक क्यों कई बार। मुझे कहीं उड़ा ले नहीं जाए हाय रे, छू रही है तेरा तन हवाएं, तुझे मुझे कहीं उड़ा ले नहीं जाए। तेरे नैना मिलके झुके क्यों कई बार। हाँ मैं न बुरा मानूं, चाहो तो कह लो इसे प्यार, सदा हो यही साथ कहीं दिन कहीं रात। हाँ मैं न बुरा मानूं, चाहो तो कह लो इसे प्यार। आज तेरे नैना मिलके झुके क्यों कई बार। हेलो, क्या खबर अखबारों में छप गई? कैसे छपी, किसने दिया? लाल जी ये क्या हो रहा है, आपने देख भक्त के साथ ये सलूक? समझ में नहीं आता कि ये खबर अखबारों में पहुंचाया किसने। ये जरूर किसी दोस्त की मेहरबानी होगी, ये तो बेइज्जत करने वाली बात है। कम वक्तों ने ये भी नहीं सोचा कि आप डाक विभाग के डायरेक्टर हैं, दो दिन में सब बदल जाएगा, इसमें जरूर कोई बड़ा हाथ है पीछे, कोई मामूली बात नहीं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे फूफा, तो क्यों नहीं आए, हमने खाना भी नहीं खाया, हम सोए भी नहीं। मेरे फूफा अब तो मैं आ गई हूँ ना। पापा, बेटी पापा। रो मत बेटी, रो मत, तो ठीक तो है ना। हाँ पापा, अगर ये जाना होते तो भगवान जाने क्या हो जाता। अच्छा, हम तुम्हारे बहुत ग्रेटफुल हैं, आई मीन शुक्रगुजार हैं। आप बेटा आओ। अच्छा तो ये है जिन्होंने तुम्हें बदमाश से बचाया। वाह भाई, तुमने बहुत बड़ा काम किया मोहनलाल जी, मुझे तो इनाम ना चाहिए। हाँ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम्हारा नाम राजा है? जी हाँ। पापा ये दीदी के फ्रेंड है, बहुत अच्छे, एक दिन दीदी की आइसक्रीम खाई थी। अच्छा, क्या करते हो बेटा, पढ़ते हो या कोई कारोबार? जी मैं शायद कारोबार ही करते हैं। जी हाँ कारोबार। आओ बेटा बैठो तो सही। जी नहीं, मुझे इजाजत दीजिए, एक दोस्त से मिलना है। खाना खा के जाइए ना। आज नहीं, फिर कभी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। वाह 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 वाह, लड़का हो तो ऐसा हो, खूबसूरत, नौजवान, बहादुर और फिर कारोबार में, वाह वाह वाह। तुमको खाना भी खाने का भूख नहीं लगता? अरे सबका पेट तुम्हारे जैसा अनाज का गोदाम थोड़ी है, इतना खाली हुआ कि भाई भाई करने लगा। देखो डार्लिंग, तुम अभी आइंदा से हमको मत बोलना, जब हम खाने का टेबल पे बैठते हैं तुम सेम डायलॉग बोलते हो। तेरी देर है नहीं, तुम्हारा बॉडी हाफ हो गया तेरी। मम्मी कपिल के लिए कुछ भेज दीजिए ना। ना उसका तबीयत खराब है, उसको जरा भी खाना खाने को नहीं मिलेगा। डार्लिंग चिकन सबना है, वेरी टेस्टी माय डियर। गिव मी सम प्लीज। नो नो यू ईट दाल। क्या बेटी चावल अच्छा बना है ना आज? वेरी गुड, वेरी गुड। गिव मी सम वाटर डियर। ओह यस, गिव मी सम वाटर प्लीज। आई एम बिजी। ओह ओह, आई एम गोइंग टू हेल्प माय सेल्फ। थैंक यू। तुम खाना तो खाओ, खाना का एक नहीं खाता, खाने इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, दाल इज वेरी टेस्टी डार्लिंग। चिकन इज आल्सो वेरी टेस्टी।
कुछ नहीं मम्मी, मैं ये अरे तुम मुर्गी खा रहे हो तो फुटबॉल बना रहे हो, चल खाओ। क्या बड़ा लड़की है। तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया, हम तुम्हें उसके लिए शाबाशी देते हैं। आप किस काम की बात कर रहे हैं? वही शालिनी के उठाने वालों को मारकर भगा देना और जंगल में एक साथ रात बिताना। जी आपको कैसे मालूम हुआ? ये भी खूब कहा, हम तुम्हारी मोहब्बत पर इंतजाम करें और हमें ही मालूम हो। तो ये सारा खेल आपका था, आप इतना गिर सकते हैं कि एक शरीफ और मासूम लड़की की इज्जत पर बन जाए। अपना काम बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है बस। और ये इसलिए किया गया है कि तुम इस मोहब्बत का फायदा उठाकर मोहनलाल के उस खास कमरे में पहुंच जाओ जिसमें चप्पे चप्पे पर बिजली बिछी हुई है और कदम रखते ही चारों तरफ सिग्नल हो जाते हैं। वहां पर एक सेफ है जिसे जमीन पर खड़ा होकर कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हें यह मालूम करना है कि उस कमरे में कैसे घुसो और उस सेफ को कैसे खोलो। ये मुझसे नहीं होगा। मोहब्बत को कारोबार के लिए इस्तेमाल करना मेरा दिल पसंद नहीं करता। राजा अगर अब तुमने इनकार किया तो जो काम मैं मोहब्बत से निकालना चाहता हूं वो किसी की बर्बादी से निकालूंगा, समझ गए? जा सकते हो। आप तो बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे साथ खेलिए ना। हाँ हाँ तुम्हारे साथ भी खेलूंगा। तो फिर आप हमारे फ्रेंड हो गए ना? हाँ हो गया। तो फिर आइए खेलें। अब हम आपको दीदी के साथ खेलेंगे। हम तुम्हारे दीदी के साथ कभी नहीं खेलेंगे। तो फिर चलिए आप बैटिंग कीजिए, मैं बॉलिंग करूंगा। दीदी अभी मेरे दोस्त हो गए, आपसे बात नहीं करेंगे है ना? हाँ हम बॉबी के दोस्त, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ये क्या हुआ बॉबी? ये क्या किया? पप्पा ने खेलने से मना किया है ना? हेलो। हाँ पापा, मैं शालिनी बोल रही हूँ। कमरे के दरवाजे में कौन थी? कोई नहीं, वो खेलते वक्त बॉबी की गेंद दरवाजे को लग गई, राजा उसे लेने गए थे। कितनी बार तुमने कहा है कि वहाँ किसी को घुसने न दो। जी खास बात कुछ नहीं। जी नहीं। ठीक है। ये क्या है? वो पापा का खास रूम है, उसके फर्श को इलेक्ट्रीफाइड किया हुआ है। वहाँ कोई चलकर नहीं जा सकता। हाँ अगर पहले की तरह उड़ने लगे तो और बात नहीं, यहाँ तक कि उसके दरवाजे पर भी कोई जाता है तो सिग्नल होने लगता है, यहाँ भी और पापा के ऑफिस में भी। ओहो बाबे, हम तुम्हारे खेल से बाहर आए, खेलो चलो। अच्छा बाबे तुम जाओ गार्डन में जाकर खेलो, हम अकेले नहीं खेलेंगे, आप भी चलिए। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ बाबी। हाँ दीदी के साथ खेल के। अच्छा। लड़का बहुत शरीफ है। कोई सच बात कह गया क्या? क्या आप सोचती हैं कि मैं आपके साथ खेल रहा हूँ? आपने कहा कि आप एक खिलाड़ी हैं। हाँ कभी, अब तो खुद एक खिलौना बनकर रह गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या किसी बात का अफसोस है? अफसोस है भी और नहीं भी। आदमी पता नहीं कब एक काम कर बैठा है और उसके लिए जिंदगी भर पछताता है। अगर ऐसा है तो मैं आपको आजाद कर देती हूँ। नहीं शुरू नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। इसी का तो अफसोस है कि तुमसे मिलने से पहले मैं एक ऐसा वादा कर चुका हूं कि तो उससे वादा निभाइए ना शालू।
वो वादा किसी लड़की से नहीं। वादा करो राज कि जिंदगी भर साथ में खाओगे। चलो आप हमारे साथ नहीं खेलेंगे? अरे हाँ मैं तुम्हारे साथ कल खेलूंगा। आज दीदी के साथ खेलना है इसलिए ना। माता मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गया हूँ, अगर मुझे सारा नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शालिनी मुझे अच्छा आदमी समझती है, मुझसे जिंदगी भर साथ देने का वचन लेना चाहती है। अगर उसे मालूम हो गया कि मैं एक चोर हूं तो क्या होगा माता? तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि तुम कौन हो? तुमने उसे धोखे में क्यों रखा? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि एक शरीफ घराने की भोली भाली लड़की से एक तिजोरी तोड़ने वाले चोर को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं? और अगर तुम उसे पा लेने के बाद फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ो तो तुम फिर चोरी करने लगोगे, फिर चोरी करने लगोगे, फिर चोरी करने लगोगे। नहीं 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 मां नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपने आप को बदल दूंगा, मेहनत मजदूरी करके बाइज्जत अपनी जिंदगी गुजारूंगा और मौका मिलने पर मैं शालिनी को अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे अपने वचन का पालन करने की शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो मां, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। कबीर ये क्या है? पैसे हैं भैया पैसे। तुम समझते हो सिर्फ तुम ही ला सकते हो? लो अपना आधा हिस्सा। अब मुझे इन चोरी के पैसों की कोई जरूरत नहीं। अरे आज मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है, क्यों भाई बात क्या है? बात कुछ भी नहीं, सिर्फ लाइन बदल रहा हूं। पागल हो गए आप? ये जमाना लाइन बदलने का है? आजकल के बड़े बड़े सेठ अपना धंधा नहीं बदलते। देख कबीर अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो ये काम छोड़ दे। होश की दवा करो, चोर अगर महात्मा बन भी जाए तो कोई नहीं मानने वाला। कबीर जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कर, या मेरा साथ छोड़ दे। मैं ना तो तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूं और ना मैं भूखा मर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए तैयार। कोई समझौता नहीं हो सकता। अरे 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 आज तुम बड़े भयानक मूड में हो। कोई बात नहीं मैं तुमसे कल बात करूंगा। कहां जा रहा है? ऐसा नहीं, हमने भी अपनी लाइन बदल ली है, अब हम शादी करेंगे और मौज उड़ाएंगे। तुमको भी अगर मौज उड़ानी है तो मेरे साथ आ जाओ। ओके बाय बाय। दैट्स राइट दैट्स राइट परफेक्ट ऑल राइट। यस मैनेजर साहब मेरे पैसे। तुम्हारे पैसे? भाई तुम्हारे पैसे मेरे ऊपर वाले ऑफिस में रखे हैं, वहीं वॉचर भी रखा है, साइन कर दे। जी दरवाजा क्यों बंद किया आपने? दिल का दरवाजा खोलने के लिए। मैं पैसे लेने आई। ये क्या पैसे? उठा लो जितने चाहो ले लो, लेकिन लेन देन बराबर की होनी चाहिए। मुझे अपनी मेहनत के पैसे चाहिए, कोई खैरात नहीं चाहिए। तो हमें खैरात दे दो। क्या अंदाज है इस गुस्से से देखा कि दिल में लगी आग और दिल जो जला चारों तरफ फैल गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कबीर। आज तक इस बेडरूम से बचकर कोई गया ही नहीं। हे
बीमार है, मुझे उसके लिए दवाई लेनी है। मैं इससे पैसे लेने आई थी, लेकिन ये कमीना। मत रो, मत रो, मैं तुम्हें दवाई ले दूंगा। आओ, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आओ। ये क्या माँ, तुम फिर काम करने लगी? तुम आराम क्यों नहीं करती? कुछ नहीं बेटी, मैं जरा तेरा बिस्तर ठीक कर रही थी। मैं खुद कर लूंगी। देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई है रे? बेटा लाई हूँ माँ, बेटा। अरे पगली, बेटा कोई गुड्डा थोड़ी है जो बाजार से खरीद कर लाए। ऐसा गुड्डा बाजार में भी नहीं मिलेगा माँ। देखो ना, आओ ना भैया। सुबह से तुमने दवाई नहीं खाई। देखो भैया तुम्हारे लिए दवाई लाए हैं, लो खा लो। तब तो नहीं खाऊंगी। क्यों माँ? पहले धरती माँ और तुम पर भार बनी हुई हूँ, अब दूसरों पर बोझ बनना नहीं चाहते। माँ कभी अपने बेटे पर बोझ नहीं होती। मुझे गैर न समझो माँ, मुझे अपना लो, मुझे अपना ही बेटा समझो माँ, अपना ही बेटा समझो। ये क्या तुमने मौ छूली? क्या करूँ माँ, क्या करूँ? इन्हीं चरणों के स्वर्ग को तरस रहा हूँ माँ, इन्हीं चरणों के स्वर्ग को तरस रहा हूँ। मैं भी अपने लाल के लिए तरस रही हूँ। क्या हुआ माँ? क्या नीना, नीना तुम माँ को संभालो, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। ये डंडा, ये झाड़ू, क्या घर में कोई मेहमान आ रहा है? मेहमान तू जो आ गया है, अब तू जिंदा बचकर नहीं जा सकता। आज हम तेरा चटनी बनाएगा। रोज रोज बहुत गर्व करता है, पर मेची बाबा से शादी करने के वास्ते। लेकिन स्वागत की क्या आवश्यकता है? ये स्वागत नहीं, विदाई है। यहाँ से सीधा ऊपर। अभी डर गया? डरता है डरपोक। बचाओ, अरे बच गया, छोड़ो मुझे, अरे माफ करो मुझे, माफ करो। ए चुप, मार तो बंदे दे, बाद में मरना। शांत, आप लोगों का क्या पागलों का खानदान है? मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात और कुछ सुनने का नहीं जी, बहुत परेशान किया, मारो इसको। मैं क्यों कला झाड़ू वाले, हम बड़ों के बीच में नौकर नहीं होते। मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। बात ये है, चोरी चोरी मिलना, छिप छिप के देखना, दिल ही दिल में प्यार करना, सपने में जागना, जागते में सपने देखना। तो ये नशा अभी तक नहीं उतरा। गीता के फादर, तुम ऐसा करो इसका नशा यूं नहीं उतरेगा। हाँ। इसकी गर्दन दबा के इसको मार डालो, मार डालो। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे माँ बाप तो पहले ही मर गए, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अगर मैं भी मर गया तो दूसरा बुद्धिमान बेटा कैसे पैदा होगा, कहाँ से पैदा होगा? होना भी नहीं चाहिए। मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जल्दी बोलो। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप दोनों मेरे माँ बाप, मेरा मतलब है मेरी सिविल मैरिज पर आप दोनों गवाह बनकर आइए, ताकि आप लोगों को हमेशा मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी अशांति से मुझे शांति मिल जाएगी। नेवर।
मम्मी डैडी मान जाइए ना, इस मुसीबत से छुटकारा तो मिलेगा और मुझे आपसे छुटकारा मिल जाएगा। कम यार डालो, कम यार, गुड चांस डाली। कैसा आइडिया? अच्छा है, इस बदमाश से अपना पीछा छूट जाएगा और गीता की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाएगी। कम ऑन, कम ऑन। हाँ तुम चलो और हम अभी आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जाओ जाओ। कांग्रेचुलेशंस यंग बॉय, थैंक यू फॉर योर मैरिज। ओह नो 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 सर, ये बताइए कि हमारी शादी पक्की हो गई ना? एकदम पक्की। हमने कोई जुदा तो नहीं कर सकता? किसका हिम्मत है? वेरी गुड, चलो रानी यहाँ से हरिद्वार भाग चले। किधर जाते हैं मैं? अपना बाइक का फेस तो बताओ मालो। ओके ओके, देखो सीधा मून राइज। हेलो अपोलो 12। बदमाश धोखेबाज, हम तुम्हारा सर तोड़ने का। अरे नहीं जा तुझे प्यार कर लूं ओ जाने जाना, तेरा मेरा क्या करेगा सनम जमाना। रोके तो कोई हम दौड़ के मिलेंगे, दीवार जुल्म की हम तोड़ के मिलेंगे तारा राजा। आजा तुझे प्यार कर लूं ओ जाने जाना, तेरा मेरा क्या करेगा सनम जमाना। दीवानों की मत वालों की मत ले के रहेंगे अपना, जय बोलो रे दिल वालों की। तारा राजा जो तुझे प्यार कर लूं वो जाने जाना, तेरा मेरा क्या करेगा सनम जमाना। इतना भारी शहर तो है मगर छुपकर मिलने की जगह नहीं, वापस क्यों हम चले वहां जहां उल्फत करने की जगह नहीं। ये प्यार के दुश्मन बस्ती बस्ती से दूर निकलती, चाहे कोई हमें कहे जंगल हम जंगल में रहेंगे। चल आजा आजा आजा, आजा तुझे प्यार कर दूं को जाने जाना, तेरा मेरा क्या करेगा सनम जमाना। रहेंगे खोए, मैं तेरी बगल में जागूं तू मेरी बगल में सोए। तारा राजा आजा तुझे प्यार कर लूं वो जाने जाना।
ना सनम जमाना रोके तो कोई हम तार के मिलेंगे आजा तुझे प्यार करो जाने जाना आप इनके बेटे हैं जी हाँ देखिए केस सीरियस है इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब कम से कम 2,500 रुपए होगा 2,500 कोई बात नहीं मैं बंदोबस्त कर दूंगा डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन के लिए डेट फिक्स कर लीजिए ठीक है ये 14 कैरेट का माल कहां से लाया है तो अच्छा माल निकाल बस सेठ जी जो कुछ भी है यही है और इस पर मुझे 2,000 रुपए चाहिए अरे बाबा 400-500 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता नहीं सेठ जी मैं बड़ी जरूरत से आया हूं फिर किसी सौदे में हिसाब कर लेंगे इस वक्त मुझे अरे बाबा हम तुम्हारा जरूर दिखेगा कि अपना धंधा 500 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता इस पर तो 2,000 मिल सकते हैं ना मगर ये वक्त बातों का नहीं है राजा मुझे मालूम है तुम्हें पैसों की जरूरत कितनी और क्यों है लेकिन मेरी जरूरत के लिए तुम अपना हार क्यों बेच रही हो इंसानियत भी कोई चीज है राजा घबराओ नहीं मैं तुमसे इसका बदला नहीं मांगूंगी मेरे पास देने के लिए कुछ रहा भी नहीं है रीता इसलिए मैं तुमसे ये लेना भी नहीं चाहता लेकिन ये तो उसके लिए है जिसे तुम माँ कहते हो क्या मैं उसके लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं कर सकती हाँ इस पर कितने देते जितना बोलो 2,000 दूं हाँ जल्दी ये लो ये लो राजा ले लो ना रीता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन ये रकम कर्ज रहे मुझ पर दोस्तों में हिसाब नहीं होता जल्दी जाओ राजा देर ना करो थैंक यू रीता मोहन बाबू बात यह है 25 अगस्त को मेरे होटल के 20 साल पूरे हो रहे हैं सोच रहा था इस अवसर पर एक उत्सव मना डालूं जिसके मुख्य आप ही होंगे नहीं 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 ये ठीक नहीं होगा और मेरे पास टाइम ही कम है तो आपको निकालना ही पड़ेगा मैं सोचता हूं कि उत्सव करके मैं हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊं और मोहन बाबू आप नहीं जानते कि आपके प्रति मेरे दिल में क्या क्या भावना है ये तो मैं खुद फील करता हूं शुक्रिया लेकिन ये चेयरमैन और चीफ गेस्ट होना ये तो मिनिस्टरों और लीडरों को शोभा देता है नॉट मी मेरे लिए तो आप लीडरों के लीडर हैं आपको आना ही पड़ेगा और सब बच्चों के साथ नमस्ते चाचा जी नमस्ते नमस्ते अंकल नमस्ते बेटे क्यों ऑपरेशन कैसा रहा सक्सेसफुल गुड रंगम्मा मोहन बाबू राजा बड़े हिम्मत वाला लड़का है अरे तुम लोग खड़े क्यों बैठते क्यों नहीं जी हम लोग बुजुर्गों के सर पर नहीं बैठते नहीं मेरा मतलब है उनके सामने नहीं बैठते जी हाँ राजा बाबू चलिए नाश्ता कर लीजिए नाश्ता अरे बेटे राजा बाबू को अकेले ले जा रहे हो इस छोटे बाबू को नहीं ले जाओगे मैं उनसे ज्यादा भूखा हूँ आपने इतनी तकलीफ क्यों की मोहन बाबू आप शालिनी का ब्याह राजा से क्यों नहीं कर देते लड़का बहुत अच्छा है और फिर आप लोगों में घुल मिल गया है लड़का बुरा नहीं है मैंने पता भी लगा लिया है माँ बाप नहीं है अपने पैरों पर है और क्या कहते हैं पहले सेफ तिजोरी के कारखाने में मैकेनिक था अभी अपना बिजनेस देखा है तो फिर और क्या चाहिए भगवान का नाम लेकर मेरे होटल के सालगिरह के दूसरे दिन इन दोनों की मगनी कर दीजिए लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ इसकी तरफ से बात करने के लिए भी तो कोई हो मैं खड़ा रहता हूँ कम से कम मैं इसकी बाप की उम्र का तो हूँ ही क्यों आज मैं तुम्हारी और शालिनी के लगन की बात चला रहा हूँ आज्ञा है मैं इनकी तरफ से आपको इजाजत देता हूँ जरूर चलाइए
अच्छा तो बात पक्की होगी, 25 तारीख को मेरे होटल का सालगिरह, 27 तारीख को इन दोनों की मंगनी, आप लोग सब होटल के सालगिरह पे आ रहे हैं। अच्छा मैं चलूं? डर शालिनी मैं भी जा रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे थे? सोच रहा था शालू कि अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूं। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानती हूँ। नहीं शालू नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो, कुछ नहीं। मुझे इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत भी नहीं, और अगर कुछ जानना भी है तो इतनी जल्दी क्या, सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन शालू मैं तुम्हें, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है पार्टनर, अगर उसी वक्त तुम फाइल चुरा लेते तो ये सब झगड़ा। गलती नहीं, अकलबंदी कहो दीनानाथ, अगर उस वक्त मैं फाइल चुरा लेता तो ना असली फाइल मिलती और नहीं मेरी जान बची। मोहनलाल को मुझ पर शक हो गया था, उसको दूर करने के लिए मुझे अपना कंधा भी जख्म कराना पड़ा। अब उसका शक दूर हो गया, मगर उसने फाइल ऐसी जगह पे रखी जहां मैं नहीं पहुंच सकता। फिक्र मत करो पार्टनर, एक बार खाली गया दूसरा नहीं जाएगा, मोहनलाल को फाइल हमारे हवाले करनी ही होगी। वक्त बहुत कम है, उन लोगों का दबाव बहुत बढ़ चुका है, परसों वो लोग जहाज लेकर हमारा इंतजार करेंगे। अगर उन्हें फाइल न मिली तो फॉरेन बैंक में जितना रुपया हमारे नाम पर जमा करा है वो सब चले जाएंगे और हमारी जिंदगी का भी खतरा है। पार्टनर यह हमारी जिंदगी का आखिरी मौका है। फिक्र मत करो, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। भाई और बहनों, आज होटल अप्सरा की 20वीं सालगिरह पर हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, और खास तौर से आज के मेहमान श्री मोहनलाल जी का, जिन्होंने यहाँ आकर इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई और हमें सम्मान दिया। श्री मोहनलाल जी, सारा खर्च करा कर बना बनाया खेल बिगाड़ना चाहते, ये काम तुम्हें करना ही होगा। नहीं, मैं अपनी जिंदगी का ढंग बदल चुका हूं, जानते हो इस इंकार का अंजाम क्या होगा? मौत से बढ़कर और क्या होगा, मैं मौत से नहीं डरता। मौत तुम्हारी नहीं बल्कि उनकी होगी, जिनके लिए तुम अपनी जिंदगी का ढंग बदलना चाहते हो। इधर देखो, इधर भी देखो, अपने पीछे भी देख लो, वो देखो, तुम्हारे एक इंकार ये तीनों जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। सोचो, वक्त बहुत कम है, एक घंटे में सब काम करना चाहिए। जवाब दो। ठीक है। और याद रहे कि मैं साये की तरह तुम्हारे पीछे रहूंगा, अगर तुमने सारा गड़बड़ करने की कोशिश की तो इन तीनों में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो जा रहा है, जब वो फाइल लेकर आए उससे फाइल लेकर गोली मार देना।
काम हो गया राजा। ये चीज तो इन्हीं को देनी थी। बहस मत कर, बैठ। रॉकी, लेकिन बास का तो हुक्म है कि राजा को गोली मार दो। शट अप, जोर से पीछा करो, जल्दी बैठ, जल्दी ये बैग खोल। अरे इसमें तो एक पर्स है, सील लगा हुआ। तू जल्दी से इस पर्स को लेकर भाग जा, ये बहुत जरूरी चीज है। इसे संभाल कर रखना, मैं तब तक इसको चकमा देता हूं। ओके ओके। नंबर 10 स्पीक। वो तुम्हारे इलाके की तरफ आ रहा है, अपनी गाड़ी से उसका रास्ता रोको। ओवर। ओके।
जाग रही हो? मेरी वजह से नींद नहीं आई क्या? चिराग की रोशनी में कभी परवानी को नींद आई है? आते देखा तो है। हाँ, मगर चिराग के कदमों में। और यहाँ इतनी जगह नहीं थी, पलंग एक ही है ना? बीच में तकिया रह जाती। ऐसा क्या साथ सुना जिसमें तकिया? क्या किया जा रही था? ये हक किसी और ने ले लिया है। तुम्हें अगर किसी को ये हक दे दो तो बात और है, वरना जवानी एक ही खेल नहीं खेलती। तुम ठीक कहती हो, मगर वो क्या करे जो एक ही खेल में अपना सब कुछ हार गया। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज मेरी मंगनी है। होगी, मगर क्या ये मुरझाया हुआ चेहरा और जख्मी बदन ले तुम मंगनी में जा सकते हो? मुझे हर हालत में जाना है रीता, हर हालत में। राजा, एक रिश्ता जोड़ने के लिए एक दिल का तोड़ मुझे नहीं। मैंने कितनी रातें इसी इंतजार में गुजारी और आप ये मौका आया है तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं मजबूर हूँ रीता, मजबूर हूँ। क्या इतना भी नहीं हो सकता कि हम और कुछ देर अपनी दिल की प्यास बुझा लें?
दीनानाथ जी अभी तक वो आया नहीं। आता ही होगा, बोलो वो आ गया। आओ राजा बाबू। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते। ये कौन है? ये मेरी बहन है नीना। नमस्ते। जीती रहो बेटी, बहुत देर लगा दी। आइए मोहनलाल जी। चलो चलो पंडित जी, चलो फोटोग्राफर्स, टेक माय फोटो, टेक माय फोटो। ये है शालिनी का दूल्हा, इसे तो कहीं देखा है। मोहन बाबू शालिनी बुलवाइए। गीता शालिनी को ले आओ। ए भैया भाभी के लिए कोई तोहफा लाए? मेरे पास था ही क्या जो लाता। वही भूलने की आदत ना, घर में रखकर भूल गए। भूल गया? तुम फिक्र ना करो, मैं लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई है? तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तो भाभी को ही दूंगी। महाराज बेटी हार पहनाओ। गीता हार दो। भैया पहले ये हार पहनाइए। ये तो मेरा हार है। तुम्हारा क्यों होने लगा? ये तो भैया का हार है। भैया देखो इस पे मेरा नाम भी लिखा है। जोर कहीं का जबान संभाल कर बात करो। खबरदार जो मेरे भैया को जोर कहेगा। डैडी आपको याद है जिस दिन मेरा सेफ टूटा था उसी दिन इस हार की चोरी हुई थी। मैं तो इसे देखती पहचान गई थी कि वही आदमी है, इसी ने मेरा हार चोरी किया था। ताजा क्या ये सच है? चाहती है कि राजा एक तिजोरी तोड़ने वाला चोरी बने। इस वक्त नहीं, ये वो वक्त है जब नशे टूटते हैं। आ गई नीना? हाँ माँ। हो गई मंगनी? हाँ हो गई। राजा तेरे साथ नहीं आया? वो माँ वो बाद में आएंगे। अच्छा राजा को तिलक में क्या क्या मिला? बहुत कुछ मिला माँ, इतना मिला, इतना मिला माँ कि हम लोग उठा भी ना सके। ये क्या हो रहा है शालिनी? बेटी इस वक्त तुम रो रही हो लेकिन जो कुछ हुआ उसने तुम्हें जिंदगी भर रोते रहने से बचा लिया। भगवान ने आज हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की। मगर पापा मैं नहीं मानती कि वो चोर है। वो चोर है बेटी, अगर ना होता तो अपनी सफाई में कुछ तो कहता। अगर उसका दिल साफ होता तो मुझसे मिलकर बात साफ कर लेता, चुपचाप सारे इल्जाम सुनकर गायब ना होता। अब अपने दिल से उसका ख्याल लिख दो। साहब वापसी घर में नहीं है। नीचे कहीं होगा, देखो। साहब देखो साहब कहीं नहीं है। नहीं है? अच्छा हम देखो। साहब सब जगह कहा देखा, बॉबी कहीं नहीं मिला। ओ, क्या करूं? आप
आपका बच्चा बॉबी हमारे पास है। अगर उसे जिंदा चाहते हो तो जासूसों के नाम और पते वाली फाइल कल शाम को 6 बजे ओवल गार्डन में हमारे हवाले कर दो, वरना 11 बजे रात तक तुमको बच्चे की लाश कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कोई चालाकी ना हो इस बात का ख्याल रहे। पापा, अब क्या होगा? कहाँ है वो फाइल? कहीं भी हो उन्हें नहीं मिलेगी। खाना खा ले। नंबर 11, नंबर 12, ये शोर क्या है? समझा के काम लो। मोहनलाल का ट्रांसमीटर टैप करो और हमारा मैसेज दो। ओके बॉस। मिस्टर मोहनलाल, तुम अपने सारे अतिक्रम छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम हमारी ताकत का इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हमने तुम्हारा ट्रांसमीटर टैप कर लिया है और हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम हमें कभी नहीं पकड़ सकोगे। इसलिए अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे हवाले कर दो, वरना कहो अगर फाइल पुराने किले पर नहीं पहुंचाया गया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बोलो नहीं दिया जा सकता। आखिर उस फाइल में क्या रखा है? तो बॉबी की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं? बॉबी की जान से ज्यादा देश की रक्षा जरूरी। मैं उस फाइल को देकर वतन के लिए जान की बाजी लगाने वाले सपूतों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। आपको अगर बॉबी की जान की परवाह नहीं तो ना सही, मैंने उसे पढ़ा है, मैं उसे बचाऊंगी, मैं वो फाइल देखूंगी। शाली, किसने दिया? कमिन।
राजा। शालिनी, तुम यहाँ? क्यों, बड़ी हैरत हो रही है? हैरत नहीं, शर्मिंदगी। मैं इस लायक नहीं कि तुम्हें मुंह दिखाऊं। मैंने कई बार चाहा कि तुम्हें अपनी असली हालत बता दूं, मगर बातें न लाओ राजा। तुमने मुझसे धोखा किया, इसका मुझे कोई गिला नहीं। मैं पहली लड़की नहीं जिसे किसी नौजवान ने खा दिया हो, मगर मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम उनकी इज्जत से क्यों खेले? नहीं रानी, मुझे गलत ना समझो। मैं अगर दुनिया में किसी चीज से खेला हूं तो सिर्फ अपनी जिंदगी से। झूठ, तुम हमेशा दूसरों की जिंदगी से खेले, मेरी जिंदगी से खेले, मेरे पापा की जिंदगी से खेले, और अब बॉबी की जिंदगी से खेल रहे हो। बॉबी की जिंदगी से? सिर्फ इतना ऐसा करो, वो फाइल वापस कर दो। बॉबी को बदमाश उठा कर ले गए। क्या? बॉबी को बदमाश उठा कर ले गए? हाँ, और उसे बदले में वो ही फाइल मांगते हैं। वक्त बहुत कम है, अगर 7:30 बजे उन्हें वो फाइल न मिला तो वो उसे मार डालेंगे। बॉबी को कोई नहीं मार सकता है, वो फाइल मेरे पास है। मैंने उसे चुराया है क्योंकि कोई और उसे चुराना चाह रहा था। कहाँ है वो फाइल? ला, मुझे दे दो। मैं जानता हूँ उस फाइल की जरूरत किसे है। तुम इत्मीनान रखो, मैं उसे फाइल देकर बॉबी को ले आता हूँ। राजा, ये क्या कर रहे हो? ये खतरा बोलना है तुम चुप रहो रीता। हेलो बॉस, मैं राजा बोल रहा हूँ। वो फाइल मेरे पास है, मैं उसे लेकर आता हूँ। और देखो, बॉबी की जिंदगी पर कोई आंच ना आने पाए, वरना अच्छा नहीं होगा। राजा, मत जाओ राजा, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। राजा प्लीज मत जाओ। हट जाओ रीता। राजा को मौत के मुंह में भेजकर तुझे क्या मिले? वो लोग फाइल लेकर राजा को मार डालेंगे। कुमार, कुमार, कुमार राजा चला गया। कहाँ चला गया? वो फाइल लेने गया। फाइल? हाँ, वो फाइल लेकर सीधा बॉस के पास चले जाएगा। और तुम जानते हो, बॉस फाइल मिलते ही उसे गोली मार देगा। मुझे दीनानाथ पर शक था, राजा जरूर फाइल लेकर वहीं पहुंचा। हेलो हेलो ऑफिस रिजॉल्व, अभी पता लगाओ दीनानाथ कहाँ है इस वक्त। अब 10 मिनट में वापस आया तो मोहनलाल को फोन कर दें मुझे। ओके। ओके, पीछे से सही होगा। सामने कमरे में ले जाओ। चला। तो तुमने मुझे पहचान लिया? जी हाँ। लेकिन ये बाहर जाकर किसी को बताने के लिए जाने लगे। नजर आने का इंतजाम क्या है? 10 मिनट में से बाहर निकला तो मेरा दोस्त इसको फोन कर दे। ये माना कि खोने बात हो शायद, लेकिन फिर बच्चे चाहते हो तुम्हारे दोस्त के साथ? वो देखो, ये आप लोग क्या पागल बन कर रहे हैं? इतने बड़े आदमी को बांधते हो, आपको शर्म नहीं आती? लाल टोपी पहन के आ गए, जानते हो मेरा ससुर कौन है? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, राजा भैया, मुझे अपने साथ ले चल, ये लोग मुझे बहुत मानते। दीनानाथ, इस फाइल के लिए तुम्हें एक मासूम बच्चे की जान लेने पड़ो। ये मामूली फाइल नहीं है, इसमें मेरी जिंदगी की राहत का सरमाया है। तुम इसकी कदर नहीं कर सकते। इसमें उन हिंदुस्तानी जासूस की जान है जो कि बाहर मुल्कों में, और जब मैं इस फाइल को बाहर मुल्कों में ले जाऊंगा मुझे हीरो में तोला जाएगा। क्या? इस फाइल में इंसानी रिकॉर्ड है और तुम इस फाइल को दुश्मन मुल्क के हवाले करना चाहते हो? मैं सिर्फ चोरी करके अपने आप को बहुत बड़ा मुजरिम समझता था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मुझसे बड़े मुजरिम मुल्क में मौजूद है। वतन फरोश करता है, कीमत नहीं सकती। कीमत मुझे नहीं, तुम्हें चुकानी।
सब लोग पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाओ। इस जगह को पुलिस ने घेर लिया है। मोंटेक्स कहाँ गया? रॉकी? यस बॉस। स्विच ऑन। तुम यहां तड़प तड़प के मर जाओगे। मैं तो यहां तड़प तड़प के मर जाऊंगा, लेकिन भारत की आत्मा जिंदा है दीनानाथ, वो तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देगी। भारत की आत्मा का तो मालूम, लेकिन तुम और तुम्हारी आत्मा यहीं चल कर रह जाएगी। वेल डन विश्वनाथ प्रसाद, वेल डन। इसी दिन का इंतजार था मुझे कि तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा दम तोड़ रहा हो।
और तुम ये नजारा है। मेरा बेटा? हाँ, तुम्हारा बेटा। विश्वनाथ, गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। बचपन में जितने बड़े प्यार से निशानी उसके गले में डाली थी, अब तक मौजूद है। अब अपनी बेटी या धर्मपत्नी को भी पहचान लो। भगवान, क्या यही जिंदगी खाने के लिए तुमने मुझे धंधा रखा था? बाप के हाथों बेटे की हत्या। भैया, भैया, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए व्रत रखे, हमेशा यही प्रार्थना करती रही कि तुम जहां भी रहो सुखी रहो। यही मनाती रही कि तुम्हारे चरणों में प्राण दूं, इसलिए नहीं कि तुम्हें एक पापी हत्यारे के रूप में देखूं, इसलिए नहीं कि मेरे जन्म जन्म का विश्वास टूट जाए, इसलिए नहीं कि मेरे देवता को एक दानों के रूप में देखूं। सुचास! बच्चा, भूल गए वो दिन जब भूख से बिलखते मेरे बच्चे अनाज के एक दाने के लिए तरस रहे थे और तुम अपने भंडार में से बस्तों की दोस्ती का सिला एक मुट्ठी चावल न दे सके। याद करो वो दिन जब आकाश गांवों में लाशों के ढेर लग रहे थे और तुम नफा कमाने की खातिर अपने गोदाम में अनाज के ढेर पर सांप बनकर बैठे हुए थे। याद करो वो दिन जब गांव वालों ने मिलकर तुम्हारे गोदाम और घर में आग लगा दी और तुम ये समझ बैठे कि तुम्हारे बाल बच्चे मर खप गए हैं। ये जानकर मेरे दिल में जो बदले की आग भड़क रही थी शांत हो गई। लेकिन एक दिन जब मैंने राजा को देखा और उसके गले में तुम्हारी दी हुई निशानी देखी तो मुझे यकीन हो गया कि ये तुम्हारा ही बेटा है और जिंदा है। एक बार फिर से मेरे दिल में बदले के शोले भड़क उठे और आज जिसके भाव देख उसे रोका। विश्वनाथ, लो ये फाइल इधर लो, इसे अब मैं लेकर जाऊंगा। अंदर और कोई नहीं। अरे पापा, पापा, हाँ? वो देखो दरवाजा। हाँ हाँ, ये क्या है? आ आ आ अरे ससुर जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अगर तुम क्या कर रहे हो भाई? आज मैं तो यहाँ पब्लिक को बचा रहा हूँ। राजा कहाँ है? बेचारा राजा नीचे बहुत परेशानी में है, आइए चलकर उसे बचाएंगे। हेलो दीनानाथ, मोहनलाल ने इस अड्डे को घेरिया इस डाल दिया है। तुम फौरन फाइल लेकर खंडर के रास्ते से बाहर चले आओ। मैं अपने आदमियों के साथ मनोरी पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्विक, ओवर। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लो अपने बच्चों को कलेजी से लगा लो, जीवन भर ये लोग तुम्हारे प्यार को तरसते रहे। लक्ष्मी, बहुत देर हो गई, अब तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं इस मुल्क में रह नहीं सकता, ये रही मेरी जिंदगी भर की कमाई, अभी तुम्हारी है। स्वामी, तुम जल्दी से नीना को लेकर यहां से बाहर चले जाओ। जाओ। अरे माइक लगा, चलो यहां से जल्दी निकल जाओ। चलो चलो चलो।
पिताजी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पिताजी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बेटे, मुझे बहुत अफसोस है, हम उस वक्त मिले जब मैं इस मुल्क में बाइज्जत जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहां से चला जाऊं। पिताजी जरा सोचिए, आप इसके लिए कितनी बड़ी कीमत दे रहे हैं। आप अपनी भलाई के लिए अपने खानदान, अपने मुल्क की आजादी की कुर्बानी देना चाहते हैं। पिताजी, आप जो कुछ लेकर जा रहे हैं उसमें हमारे देश की आजादी और जिंदगी का राज है, हमारी मां बहनों का सुहाग, हमारे भाई बंधुओं की जान है। पिताजी, ये गद्दारी है। मैंने जिंदगी भर अपने पिता को एक महात्मा के रूप में देखने की ख्वाहिश की, वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी। कम से कम इतना तो एहसान कर दीजिए कि लोग मुझे गद्दार का बेटा न कहें। पागल मत बनो, जितना रुपया मैं तुम्हारी मां को देकर आया हूं, लोग ये सब कुछ भूल जाएंगे। दौलत दुनिया का मुंह बंद कर देती है। बदमती, गद्दारी सब कहने की बातें हैं, लोग इनकी आड़ लेकर अपना फायदा उठाते हैं। नहीं पिताजी, जिस काम से मुल्क और कौम का नुकसान हो वो गद्दारी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं पिताजी, मेरी बात मान लीजिए। रहने दो अपना कौम और मुल्क करा, क्या मिलता है कौम और मुल्क से? जब कौम वाले ने आके मेरा घर बार जला दिया, जब तुम बाप की मोहब्बत और माँ की ममता से महरूम रहे, क्या दिया है कौम और मुल्क ने? यही कि तुम्हें चोर ना दिया और तुम्हारी बहन नीना को एक होटल में नाचने वाली, और मैं अंधेरे में खोकर विश्वनाथ प्रसाद से दीनानाथ बन गया, और अब तुम मुझे देशभक्ति का रक्त दिला रहे हो। पिताजी, अगर माँ का आंचल सूख जाए तो उसे कत्ल नहीं कर देते। आप हिंदुस्तानी जासूसों का ये रिकॉर्ड दूसरे मुल्कों को देकर भारत माता की आजादी का गला घोट रहे हैं। हजारों माओं को अपने बेटों से जुदा कर रहे हैं, हजारों औरतों को बेवा बना रहे हैं। छोड़ो बेकार की बातें, तुम जाओ और अपनी माँ बहन को चिता से रखो, और मुझे भी अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त आराम से गुजारने दो। वो देखो, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, 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 आप अपने बेटे के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देता है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि ये फाइल लेकर मत जाइए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। पिताजी, आपके पांव पड़ता हूँ, ये फाइल लेकर मत जाइए। जो मैंने कदम आगे बढ़ा दिया, अब मुझे पूछे नहीं रहता। छोड़ो जी, छोड़ो जी, पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पिताजी, किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं पिताजी, मेरा वक्त जाया मत करो प्लीज। नहीं, कोई बेटा अपने बाप को गोली नहीं मार सकता। मैं अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी गद्दार को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। राजा, तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। मैं कहता हूँ पिताजी, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ पिताजी, रुक जाइए। मेरे पास आपको रोकने के लिए और कोई तरकीब नहीं थी, और कोई तरकीब नहीं थी पिताजी। नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे जिल्लत से बचा लिया। इस देश को तुम्हारे जैसे सुपुत्रों की जरूरत है पिताजी। राजा, तुमने एक सच्चे हिंदुस्तानी का फर्ज अदा किया है। मुल्क पर तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान है।